यहाँ पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज कलेक्टर्स पुलिस अधीक्षकों की कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। मंत्रालय में दो चरणों में कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी। पहला सत्र 1 बजे से 5 बजे तक आयोजित किया जा रहा है, जिसमें संभागायुक्त, कलेक्टर, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और नगर निगमों के आयुक्त उपस्थित हैं। कलेक्टर कॉन्फ्रेंस जो कॉन्फ्रेंस है, उसका दूसरा सत्र शाम को 5 बजे से होगा, जो 7 बजे तक चलेगा, जिसमें सभी संभागायुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक शामिल होंगे। कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस में राज्य शासन की महत्वपूर्ण योजना नरवा, गरुवा, घुरवा, बाड़ी, लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के निराकरण, इनके साथ ही तमाम विषय हैं, उन पर चर्चा की जा रही है। और इस संबंध में हमारे साथ भूपेश गुप्ता संवाददाता जुड़ चुके हैं। भूपेश, जिस तरह देखा जाए कि आज दो सत्रों में भूपेश सरकार संभागायुक्त कलेक्टरों की बैठक कर रही है और बैठक जारी भी है, अभी तक क्या कुछ चर्चाएं निकलकर सामने आई बैठक के दौरान? आपको बता दें कि दो सत्रों में आयोजित कांग्रेस जो कॉन्फ्रेंस है वो की जा रही है, और इस संबंध में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं भूपेश गुप्ता। रुपेश, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज एक बड़ी कॉन्फ्रेंस भूपेश सरकार लेने जा रही है और अभी चल भी रही है कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ ताजा अपडेट सामने निकल कर आया आपके सामने? अपने अधिकारियों को किस तरीके से काम करना है इसको लेकर के तागिद करेगी। पूरे प्रदेश के एसपी और जो कलेक्टर्स हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं, और इससे पहले याद होगा कि वन विभाग की भी समीक्षा हुई थी। और दरअसल जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं, चाहे वो कर्ज माफी का मसला हो, क्योंकि जब सेशन शुरू हुआ था, जिस बजट 2019-20 के लिए चूंकि अलॉटेड था, जो भी व्यवस्था की गई थी कर्ज माफी की सरकारी बैंकों के जरिए, हालांकि ग्रामीण और सहकारी बैंक की सरकार ने पहले से घोषणा कर रखी थी, तो एक घंटे में घोषणा करके उस पर अमल कर लिया, लेकिन जो किसानों की स्थिति है खासतौर से उस पर चर्चा की जाएगी। और सरकार की महत्वाकांक्षी योजना नरवा, गरवा, घुरवा, बारी, वो पूरे प्रदेश में एक शेप ले चुकी है और बारिश के मौसम से उस पर काम शुरू हो जाएगा, तो उसकी भी समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा जो लगातार प्रदेश में घटता हुआ जल स्तर है, उस पर क्या व्यवस्था करनी चाहिए, किस तरीके से वाटर बॉडी को रिचार्ज किया जाए, क्योंकि ये तमाम चीजें सरकार की प्राथमिकताओं में है, लिहाजा सरकार इन पर फोकस करेगी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था सरकार के एजेंडे में सबसे ऊपर पर है, तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए और क्या कुछ किया जा सकता है। इसके अलावा जो लोगों की समस्याएं आ रही हैं, उनका निराकरण एक सुनिश्चित समय में रहो, सरकार इस बात को बार बार बोलती रही है, तो ये सुनिश्चित किस तरीके से किया जाए और क्या वाकई में सुनिश्चित दिनों के अंदर लोगों को वो सेवाएं मिल पा रही हैं या नहीं मिल पा रही हैं, मुख्यमंत्री इसको लेकर के भी ताकीद करेंगे, निर्देश देंगे। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि जो जिन प्रतिनिधि होते हैं, उन जन प्रतिनिधियों को आखिर में उनकी भागीदारी किस तरीके से बढ़ी है, क्योंकि पिछले सरकार में हमने देखा कि 15 साल में जन प्रतिनिधि की स्थिति यह हुई थी कि मंत्री भी कलेक्टर को सर करके बात करते थे, और आज की स्थिति यह है कि कम से कम कलेक्टर के सामने एक विधायक भी खड़ा होकर के उसी बराबरी के स्तर पर बातचीत करता है। तो जो प्रोटोकॉल मेंटेन किया गया जनप्रतिनिधियों का, वो एक बार फिर से मैसेज देने की कोशिश की जाएगी कि जो जनप्रतिनिधि कहते हैं उनकी बात को सुना जाए और तमाम जो बैठकें होती हैं उनमें उनकी भी रजामंदी ले जाए। जी रुपेश, जिस तरह देखा जाए कि अभी ये फिलहाल जो बैठक चल रही है, संभागायुक्त, जिला कार्यपालन अधिकारी के साथ बैठक की जा रही है, लेकिन कुछ देर बाद यानी कि 5 से 7 बजे के बीच भी एक बैठक होने वाली है, जिसमें पुलिस महानिरीक्षक के साथ साथ एसपी भी तमाम मौजूद रहेंगे, तो ये किस विषय को लेकर होगी और साथ में इसमें क्या कुछ चर्चाएं की जाएगी, क्या कुछ निकलकर सामने आ सकता है? देखिए, खासतौर से जो लगातार सरकार पर आरोप लग रहे हैं कि कानून व्यवस्था की हालत काफी खराब हो चुकी है सरकार में, और लगातार जिस तरह की घटनाएं आ रही हैं,
कानून व्यवस्था टूटने की खबर, बल्कि थाने में किसी की मौत हो जाती है, तो इस चीज को लेकर के कैसे जो पुलिस है उसका कामकाज सुदृढ़ किया जाए, मजबूत किया जाए, उसको अकाउंटेबल बनाया जाए, इसी को लेकर के निर्देश जारी किए जाएंगे। और जो हाल के दिनों में बड़ी घटनाएं हुई है प्रदेश में, जिससे ये एक मैसेज गया है कि कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी है, तो उसको कैसे दुरुस्त किया जाए, इसको लेकर के निर्देश दिए जाएंगे। और आने वाले समय में जो चैलेंजेस है पुलिस के सामने, उसको कैसे निपटा जाए, खासतौर से बस्तर के इलाके में जहां सरकार विकास के काम को आगे बढ़ाना चाहती है, लेकिन वो विकास के काम अगर पुलिस सुदृढ़ नहीं है, वहां के लोगों को विश्वास में नहीं लिया जाएगा, तो वो मुमकिन नहीं है। तो वहां पे किस तरीके से लोगों को विश्वास में लिया जाए, सरकार ये भी जानना चाहेगी, उस पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। इसके अलावा पूरे प्रदेश में जो पुलिस महकमे की हालत है, वो सरकार के लिए कहीं ना कहीं चिंता का विषय है, और इसी चिंता से निपटने की कोशिश, इसी से हम आपको अभी यहाँ रोकना चाहेंगे और आपसे इस संबंध में राज